और दोस्तों, श्रावस्ती जनपद से आजकल एक शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं कि कई ग्राम पंचायत हैं, कई ग्राम पंचायत के मजरे हैं जहां के रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जहां की नाली की साफ़ सफाई नहीं की गई है, जहां पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है, कुछ लोगों ने नाला पाट दिया है। वहाँ पर समस्या ये है कि उनके घरों के आगे पानी भरा हुआ है। बरसात के महीने में जल भराव आम समस्या है। बरसात होती है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, लेकिन अगर किसी गाँव में ये जल भराव महीने दो महीने तक दिखाई पड़े तो सवाल उठता है कि गांव में नाली नहीं है क्या, गांव में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। आज श्रावस्ती में ऐसे कई गांव हैं जहां पर जलभराव की वजह से रास्ते बंद हैं, लोग गंदे पानी कीचड़ सने रास्तों से होकर के गुजर रहे हैं, पर उनकी समस्या का हल नज़र नहीं आता है। और ग्रामीणों का गुस्सा ग्राम प्रधान और सफाई कर्मियों पर होना लाजमी है। जलभराव को लेकर के एक मामला जनपद श्रावस्ती के हरिहरपुर के गुलरिया गांव से सामने आया है, जहां पर नाली का निर्माण न होने की वजह से करीब दो दर्जन से अधिक परिवार गंदे पानी कीचड़ सने रास्तों से जाने को मजबूर है। हरिहरपुर रानी का गुलरिया गांव है, जहां प्राथमिक विद्यालय के आगे ही इस तरीके से गड्ढा हो, उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस गाँव के सफाई कर्मी और प्रधान कितने जिम्मेदार हैं और गांव के विकास के लिए वो क्या करवा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि बरसात में जल भराव होता ही रहता है, बरसात होती है और पानी भरता है, लेकिन जहां जिस गांव में नाला गड्ढा तालाब बना होता है, पानी वहां पर जा कर के इकट्ठा हो जाता है और गांव के लोगों को इस पानी से निजात मिल जाती है, जल भराव की समस्या का अंत हो जाता है। पर आजकल श्रावस्ती जनपद में ऐसी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, किसी ने रास्ता पटवा दिया है, कहीं पर नाला नहीं बना हुआ है, कोई पानी नहीं निकलने दे रहा है, जिसके कारण महीने दो महीने तक गांव में पानी भरा रहता है, जिससे गंदगी उत्पन्न होती है और तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। गुलरिया गाँव में करीब 100 मीटर रास्ता पानी में डूबा हुआ है। इस रास्ते से कई दर्जन ग्रामीण के घर हैं, इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से नरक बनी हुई है। महिलाएँ, बच्चे, बुज़ुर्ग सभी लोग इसी रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है। गांव के लोगों का कहना है कि कम से कम गांव के प्रधान को सामने आकर के काम करवाना चाहिए, ताकि जनता उनको दोबारा वोट दे करके प्रधान बनाए। अगर इसी तरह से लोग जलभराव की समस्या से परेशान रहे तो अगले प्रधानी के चुनाव में गांव के प्रधान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जलभराव की ये समस्या लगभग जनपद के हर गाँव में है, जहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कई जगह पर तो नाले बने हैं पर कभी साफ नहीं किए गए हैं। कई लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके नालों को पाट दिया गया है। बहुत गांव ऐसे हैं जहां सफाई कर्मी कभी जाते ही नहीं हैं। ऐसी शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही हैं। ग्रेट श्रावस्ती चैनल जिलाधिकारी से अपील करता है कि गांव-गांव में जो जलभराव की समस्या है, जहाँ पर पानी करीब महीने दो महीने से भरा हुआ है, ऐसे गांव में कितनी सफाई हुई है, उस गांव का सफाई कर्मी कौन है, इसकी जांच करवाई जाए। यदि ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं पर जलभराव की समस्या कहीं पर नहीं होगी। ये जलभराव कहीं ना कहीं किसी न किसी लापरवाही का नतीजा है, जिसका खामियाजा गांव के लोग भुगत रहे हैं। गुलरिया गाँव के लोग शिकायत कर रहे हैं। और एक और गाँव के बारे में हम बता दें आपको कि श्रावस्ती जनपद के विकास खंड इकोना के समगड़ा का निद्धाबान गांव है, जहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। यहां पर भी उसी तरीके से समस्या उत्पन्न हो गई है। गांव के रास्तों पर चलना दूभर हो गया है। आजकल अगर श्रावस्ती ज़िले में देखा जाए, अगर हर ग्राम पंचायत पर जांच करवा ली जाए तो देखा जा रहा है कि कई मजरे जो है इस वक्त पानी में पानी ही पानी कई मजरों में दिखाई पड़ेगा। कई जगह के रास्ते बंद हैं, लोग महीने दो महीने तक तीन महीने तक कीचड़ सने रास्ते से जाने के लिए विवश हैं। आज श्रावस्ती में 75% शिकायत सिर्फ इसी बात की आ रही है कि सफाई कर्मी अपनी काम को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। गांव प्रधान के द्वारा अच्छे से नाले का निर्माण नहीं कराया गया, कहीं पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया, कहीं पर किसी ने नाला पाट दिया है, कोई अपने घर के सामने से पानी नहीं निकलने दे रहा है, जो गांव में पानी भरा हुआ है उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात होती है, बरसात हुई, 24-36 घंटे के अंदर पानी बह करके तालाब, गड्ढों में, नदी में चला गया, लेकिन जहां पर नाले की ही व्यवस्था नहीं होती है, जहां पर सड़कें नहीं बनी होती हैं, जहां पर खड़ंजा बनवाया गया है और नाले की ऊँचाई से खड़ंजा बनवा दिया गया है, जहाँ पर RCC रोड बनवाया गया है, उसके बगल नाले की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है, जिसके कारण आजकल कई शिकायतें मिल रही हैं। जिलाधिकारी श्रावस्ती से गुलरिया गांव के लोगों ने मांग की है कि यहां पर एक बार जांच अवश्य करवा लें, आखिर कब तक इन गांव के लोगों को इसी तरीके से पानी में होकर के गुजरना पड़ेगा। यहां पर तकरीबन दो दर्जन से अधिक घर हैं। क्या नाम चाचा?
रमजान अली कौन सा गांव है आपका? ग्राम गुलरिया मौजापुर। अच्छा, ये ग्राम गुलरिया में हम देख रहे हैं कि तकरीबन दो दर्जन घर इधर है। क्या समस्या है, इन लोगों को बताइए। लड़के बच्चे और सब कोई इसी में आते जाते हैं और बरखा भर जाते हैं, मच्छर काटते हैं, बीमारी पैदा हो जाती और कोई सुनवाई नहीं होती। ना DM सुने, ना SP सुने और ना प्रधान सुने। समस्या है क्या आपकी, ये समस्या बताइए। समस्या साहब ये है कि इसमें आवाज आता है, कोनो में कसके पानी भरा रहा था और बार बार गोड़ धो, हाथ पैर सर जाते है, इसका कोई सुनवाई नहीं होता। अच्छा, तो ये कितने दिन तक पानी भरा रहता है? बरखा पूरा बरखा भरा रही है, हेमत में बरसी तो भर जाये, पानी निकल नहीं पावत है। पानी नहीं निकल पाता, क्यों नहीं निकल पाता है, क्या वजह है? निकल क्यों नहीं? आगे रास्ता ऊंचा है और इधर नाली में है, जोड़ा नहीं गया है तो पानी भरा रहा था। प्रधान का क्या नाम है आपके गांव का? जवाहरलाल। वही प्रधान है यहाँ के? नाम है आपका? हाँ भैया, जमीला नाम। अच्छा दादी, ये बताओ आपके घर कहाँ है, कौन जगह? हमारा घर दवा है कोलिया में। ये जो पूरा रास्ता आपका पानी भरा हुआ है, ये कितने साल से समस्या है बताइए? बहुत दिन से है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सब चाहते हैं कि यही सही सलामत हो जाए। लड़के जाते हैं पढ़े लिखे तो इनमें सबसे झावत जाते हैं। अच्छा, रात बिरात अब कोई कहता तो तकलीफ हो जाए, कोई जब मान हारा हो जाए तो कैसे गाड़ी जाये? नाला नहीं बना है क्या? कुछ नहीं है, बनाता ही नहीं है। लगभग कितना घर है चाची, कितना घर है यहाँ पर आप लोगों का? यहाँ पर लगभग लगभग कितना घर है आप लोगों का? 60-80 घर तो नहीं है। 60 घर पूरा इसे प्रभावित है। पड़ा हुआ है लेकिन इसका कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है प्रधान के जरिए, और एप्लीकेशन भी डाला गया था। समस्या क्या है इस रास्ते पर? नाला रास्ते का समस्या मेन यही है, जो पानी भरता है ये समस्या हट जाए, बस सारा समस्या खत्म हो गया। पानी क्यों भरता है? नाला नहीं बना, नाला नहीं, वो सामने का जो रोड है वो प्रधान ने बनवाया था, एक फुट ऊपर करवा दिया, इधर का नीचा हो गया, इधर का बनवाया नहीं साथ में। बस यही मसला है, जो अपना रास्ता है सामने वाला ऊंचा है, पानी कहीं जा नहीं रहा, इधर मोहल्ला का इधर ही भरा रहता है। कब से आप लोग शिकायत कर रहे हैं? तीन चार साल हो गया साहब। हाँ, तब से नहीं हो। ये बता दादा, कितना घर है इधर कम से कम? मतलब आप लोग गाड़ी वाड़ी कैसे लेके जाते हैं? गाड़ी रुक जाती है, नहीं जाती गाड़ी। अच्छा, हाँ, कैसे टकाई पानी में, फिर टकाई के लेके जाते हैं। अच्छा, इधर चाचा दीन मोहम्मद ये बताओ आपके गांव में क्या समस्या है, ये समस्या कितने दिनों से बनी हुई है? ये समस्या कम से कम 4-8 साल होगा साहब, और मैंने मीडिया को बुलाया, इस पानी को दिखाया, मीडिया भी पेपर में निकला, प्रधान जी से मैंने बार बार कहा कि इसको खांजा को ऊंच करवा दीजिए, वे कहें कि हमको वोट नहीं दिया, हमको नहीं ऊंच करवा पाएंगे। समस्या बनी क्यों है, जैसे पानी रुका क्यों हुआ है? आगे का खांजा 28 साल जवाहरलाल प्रधान में तब ने नहीं ऊंच करवाया, ऑप्सी खांजा ऊंच करवा दिए, इसी वजह से हमारे मोहल्ले के पानी रुकता है। अच्छा, ये कैसे आप लोग इसमें आते हैं? मैं करता हूँ कि खांजा उस खांजे के लेवल से करवा दे तो ये मोहल्ले की पानी निकल जाए, लड़के बच्चा के आने जाने का रास्ता हो जाए। अच्छा, तो बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में तो पानी भरा ही रहता है, क्या ये पानी निकलने कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं साहब। क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से कहता हूँ कि नाली बनवा दे या इस खांजे को ऊंच करवा दे। ये पानी एनी टाइम भरा रहता है भाई, पानी एनी टाइम भरा रहता है, घर का भी पानी निकलता है इसी रास्ते पे, बारिश का ही कोई बात नहीं है, बारिश के बाद में। कितने घर लगभग इस रास्ते पे पड़ते हैं? इस रास्ते पे घर कम से कम 50-60 घर आते हैं इस मोहल्ले का, जिसका रोज आना जाना इसी रास्ते पे है जी। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के विकास खंड इकोना के समगड़ा के निदाबान पुरवा में, जहाँ पर जिंदगी इसी तरीके से नरक है। देखिए गाँव के लोग किस तरीके से इस रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं, क्या कमी है यहाँ पर। 2 महीने से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्या कमी है यहाँ पर, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो गांव के लोग हैं, किस तरीके से बूढ़े बच्चे बुजुर्ग महिलाएं इसी तरीके से पानी में कीचड़ सड़े पानी से गुजरने को मजबूर हैं। नाला कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, सफाई कुछ हुआ नहीं है इस गाँव में, इस गाँव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ये लगातार हमको शिकायतें मिल रही हैं कि उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी श्रावस्ती इस मामले को संज्ञान में लें,
बरसात के महीने में तो जल भराव होता ही रहता है, लेकिन अगर पानी महीने दो महीने तीन महीने तक न निकले तो ये समस्या बन जाती है कि आखिरकार यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए गांव के लोग शिकायतें कर रहे हैं, किस तरीके से लोग जाने पर मजबूर हैं, गांव का पूरा रास्ता ही बंद है। ये समस्या सिर्फ एक दो गांव की नहीं है, श्रावस्ती में कई ऐसे गांव हैं जहां पर इस वक्त आप मोटरसाइकिल लेकर के साइकिल लेकर के जा ही नहीं सकते, चार पहिया वाहन की तो बात ही छोड़ दो। तमाम जगह से शिकायतें आती हैं, महिलाएं बीमार हैं, किसी की डिलीवरी होनी है, किसी को कुछ हो गया है, किसी को सांप ने डस लिया है, तो समस्या ये है कि एम्बुलेंस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। पानी क्यों भरा हुआ है, पानी क्यों नहीं निकल पा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। गाँव के जो सफाई कर्मी हैं वो क्या कर रहे हैं, गाँव के जो प्रधान हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको वोट दे करके लोगों ने जिताया है ताकि गाँव का विकास हो, वो गाँव का कितना विकास कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लगातार ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर समस्याएं आ रही हैं, जिन जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा है, जो अधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं वो यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि इस समस्या से लोगों को निजात दिलाएं। और इस वक्त लगातार कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं, लगभग कई गाँव का यही हाल है। बरसात से पहले ही अगर तैयारी कर ली जाती, शहरों में देखा जाता है बड़े बड़े नाले बने हुए हैं, गांव में भी नाले का निर्माण कराया गया है, लेकिन अधिकतर नाले देखा जा रहा है लोग अपने घर के दरवाजे पर नाले को पाट देते हैं। बहुत जगह पर लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है, कई जगह पर लोगों ने लोग पानी नहीं खोलने दे रहे हैं, यही कारण है कि अब ये देखिए आपने शायद ऐसी तस्वीर कहीं नहीं देखी होगी, विकास खंड कोना का समगड़ा है, निद्दाबान पुरवा है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी आबादी रहती है और वहाँ पर ये हाल है। देखिए कोई व्यवस्था नहीं है, गांव के लोग कीचड़ सने रास्ते से जाने के लिए मजबूर हैं, गांव तक पहुँचने का रास्ता भी पूरी तरीके से बंद है, ना साइकिल जा सकता है ना मोटरसाइकिल जा सकता, जिसको देखो उसको समस्या है। अगर देखा जाए भाई साहब तो कम से कम ये 50 मीटर का रोड खराब है, वो पक्की सड़क से लेके मस्जिद के आगे तक 50 मीटर तक रोड खराब है। कम से कम इतना देख सकते हैं पानी भरा है, ना कोई जाए, ना ठलिया, ना इंजन किसी का, ना किसी का पार्किंग, कोई भी चीज, ना ट्रक ट्रैली कोई सामान आता, कोई जा नहीं सकते मन। तो कम से कम ये प्रधान तक सूचना पहुँचाया गया है और बाकी काम चालू, और जगह काम कराए से कुछ नहीं कि प्रधान काम नहीं कराए, और जगह काम करा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग कई बार सूचना दिए प्रधान को, तो प्रधान हाँ भी बोले, कभी काम मालूम कभी काम चालू होगा। तो प्रधान से और सिर्फ से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द काम चालू हो जाए, ताकि तकलीफ बहुत है, कोई द्वारे से जाए नहीं देते अपने द्वारे मुहारे से, जिनके ज़मीन पर आए कोई बामू गाड़ी खड़ा करते, कोई डंडा गाड़ा खड़ा करके रोकत है। तो कृपया करके ज़्यादा मेहरबानी होगा कि ये जल्द से जल्द चालू करें, रोड या बनवाएं।